What's up guys, welcome back to the channel। आज की वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं रोम रोम एसएमपी सीजन 2 और आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक आयरन फार्म इस एसएमपी के अंदर। तो देखो गाइस, इस वाली प्लेलिस्ट में मैं डालने वाला हूँ जितनी भी मैं ग्राइंडिंग करता हूँ या प्लेयर्स को मारता हूँ या फिर कोई बिल्ड बनाता हूँ वो सब डालने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट में, और जो हमारे रियल एपिसोड आएंगे वो आएंगे दूसरी प्लेलिस्ट में, समझ रहे हो। तो उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग बनाने वाले हैं एक आयरन फार्म जो कि बहुत ज्यादा इजी है। उसका सामान आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्या हुआ, शौक हो गया ना इतना ज्यादा कम सामान देखकर। यस, इतने कम सामान में हम बनाने वाले हैं आयरन फार्म, बहुत ज्यादा इजी वाला बनाने वाला हूँ, तो पूरा देखना वीडियो को, मजा आने वाला है। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं ये क्या चीज है और ये मतलब क्यों बनाया है, किसने बनाया है, ये पहले सवाल आता है। तो देखो गाइस, ये सब कुछ मैंने ही बनाया है, जो एपिसोड 2 आने वाला है उसमें मैंने बनाया है, आप लोग देख लेना वो एपिसोड डालने वाला है वो। और यहाँ पे लिखा सब्सक्राइब टू लिटिल गेमिंग और यहाँ पे लिखा मेड बाय लिटिल। तो गाइस इसके अंदर मैं बनाने वाला बहुत सारी चीज है, जैसे कि आयरन फार्म, रेड फार्म, गोल्ड फार्म, ये सारे के सारे फार्म मैं बनाने वाला हूँ इधर। और ये सब मैंने कैसे बनाया तो वो वीडियो आने वाली है, उसमें ही पता चलने वाला है आप लोगों को। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं आयरन फार्म जो कि इधर की साइड में बना देते हैं। बनाना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन गाइस सामान हमें कलेक्ट करना होगा। आप लोग सोच रहे होगे भाई इतना सा सामान है तुझे कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान भी है। आप लोग सोच रहे होगे मैं रिच हूँ, बहुत ज्यादा रिच हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आयरन फार्म को बनाने में 3 बकेट चाहिए, जिसके लिए चाहिए हमें आयरन, और मेरे पास एक भी आयरन नहीं है। और जो मैंने ये शील्ड बनाई है ये भी मैंने अभय से आयरन मांग के बनाई है, समझ रहे हो, इतनी ज्यादा आयरन की कमी है। तो इसीलिए मैं बनाने वाला था आज आयरन फार्म। तो सबसे पहले हमें बकेट बनाने के लिए चाहिए होंगी आयरन। आयरन लेने के लिए हमें माइनिंग करने भी जाना होगा, तो जल्दी चलते माइनिंग पर। क्राफ्टिंग टेबल तो मैं बना लूंगा, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, हेलो, ये किसने बनाया, मजेदार एकदम। ओ यहाँ पे ओर्स भी लगे हुए हैं, ओ लैपिस लजूली के भी लगे हुए हैं, इनमें कुछ नहीं है, किसी ने कुछ भी नहीं रखा भाई, चेस्ट में कुछ भी नहीं रखा किसी ने। ओ भाई इतनी अमीरी। फिलहाल हमें क्या करना, हम चलते अपनी माइनिंग पर। और हाँ, आप लोगों ने पिछले वाले एपिसोड अगर नहीं देखा तो देखना, ये मेरा ही कासल है, बताना कमेंट करके ये कैसा लग रहा है, ठीक है। मतलब मैंने बहुत ज्यादा मेहनत में बनाया था ये कासल, आपको अंदर से दिखला देता हूँ, ये देखो, समझ रहे हो गाइज। मुझे एक माइन तो दिख रही है जिसमें कि मैं ऑलरेडी बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन चलते हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आयरन होता था मैं आयरन नहीं लेता था। देखो देखो गाइज, मिल गया आयरन, लेकिन एक सेकंड में पिकेक्स में सिल्क टच लगा लिए मैंने यार, मुझे दूसरी पिकेक्स बनानी होगी। चलो कोई बात नहीं, वो तो बाद में भी बना लेंगे, अभी थोड़ी सी माइनिंग करते हैं। ओके गाइस, अभी मेरे पास जितना भी ये है ना आयरन, मैं उसको स्मेल्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे फर्नेस दिख रहे हैं जिनके अंदर प्लैंक्स भी हैं ऑलरेडी, तो मजा आने वाला है क्योंकि स्मेल्ट तो हो जाएंगे। ओ यहाँ पे हमारा आयरन स्मेल्ट हो गया और मैं बहुत सारा आयरन लेके आ गया हूँ, चलो भाई मस्त है भाई। ओ इससे मैं 4 बना सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी 2 ही की जरूरत है क्योंकि एक मेरे पास ऑलरेडी है। अब जल्दी चलते हैं बनाने के लिए। भाई मैं लावा ही नहीं लेके आया, मैं क्या करूँ अब लावा लेने जाना होगा यार। चलो ठीक है गाइस, चलते हैं लावा लेने के लिए। यस, ओ भाई आ गया फाइनली। तो देखो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास जहाँ पे मैंने बनाया था नेदर पोर्टल। अब इसके अंदर से मैं लेके, एक सेकेंड, व्हाट, स्ट्रॉन्ग होल्ड आने का यही फायदा होता है, हमें लावा आसानी से मिल जाता है। और एंडर चेस्ट में रख लेता हूँ इसको मैं। हमने गाइस सारे के सारे आइटम कलेक्ट कर लिए हैं, अब जल्दी से हमें सिर्फ और सिर्फ आयरन फार्म बनाना है, तो जल्दी से बनाते हैं आयरन फार्म को। एक काम करते हैं, यहीं पे बना देते हैं कहीं पर भी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ओ भाई नीचे की तरफ तो मैंने कुछ रखा ही नहीं, फिल किया ही नहीं। अभी गाइस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैंने इसके अंदर क्या किया। देखो गाइस, यहाँ से मैंने 7 ब्लॉक तक यहाँ पे खोदा मैंने, और उसके बाद 6 ब्लॉक यहाँ से लिए मैंने, और इस पूरे सर्कल को मैंने 2 ब्लॉक के नीचे डिग कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने 3x3 का एरिया ले लिया है अब ये, ओके। तो देख सकते हो आप लोग, मैंने 4 ब्लॉक नीचे और डिग कर लिया है। अब हमें क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी हमें क्या करने होंगे कि हमें बेड प्लेस करना है, ठीक है। हमारे पास 3 बेड है जो कि मैंने प्लेस कर दिए हैं, और अभी मुझे रास्ता बनाना है यहाँ से बाहर जाने का।
ऑल राइट गाइज, अभी मैंने ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक आयरन फॉर्म बना के रेडी कर दिया है। और हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसे बनाया, तो मैंने एक बंदे के चैनल का लिंक डाला है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसकी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। उस बंदे ने ये सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर बनाया है आयरन फॉर्म, और यही आयरन फॉर्म मैंने भी बनाया उसका देख करके। और आप लोग देख सकते हो स्टैक हो गया है, मतलब पूरा का पूरा। मुझे उम्मीद नहीं थी इतने जल्दी हो जाएगा। वैसे हाँ, अगर आप लोगों को बनाना ही है उसका देख के, तो बना सकते हो। मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं, उसकी तरह नहीं बनाया है, सेम बिल्कुल। अगर गाइज ये वाला आयरन फार्म आपको बनाना है, तो उस बंदे की वीडियो देख सकते हो, और ये मस्त वर्क कर रहा है, देखो गाइज। और हाँ, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ ये कैसा है। आप लोग नीचे से भी देख सकते हो, ये कुछ ऐसा बना रखा है, और ये तीनों एक संग मिले हुए हैं। भाई भाई, ये क्या हो रहा है, तीनों एक साथ मिले हुए हैं। हेलो, ओके गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको रोम एसएमपी या बैगवेंचर्स एसएमपी की वीडियोस चाहिए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।